સેલવાસ મામલતદાર દ્વારા ડોમી સાલ માટે જરૂરી દસ્તાવેજ સાથે છેડછાડ કરનાર વ્યક્તિને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. દાદરા નગર હવેલી અને દમણ દીવ મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા અપાયેલ અખબારી યાદી મુજબ મામલતદાર ઓફિસ સેલવાસમાં 5 પ્રકારના પ્રમાણપત્ર જારી કરવામાં આવે છે, જેમાં મહત્વપૂર્ણ પ્રમાણપત્ર ડોમિસાઇલ છે. ડોમિસાઇલ પ્રમાણપત્ર એવા અરજી કરનારને આપવામાં આવે છે જેઓ પાસે દાનહમાં નિરંતર 10 વર્ષ પૂરા થયા હોવાનું પ્રમાણ હોવું જોઈએ, જેવા કે ઇલેક્શન કાર્ડ, રાશન કાર્ડ, ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ અને અન્ય પ્રમાણપત્ર હોય તેઓને આપવામાં આવે છે. આ પ્રમાણપત્ર સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે આ પ્રમાણપત્ર શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં કોલેજમાં પ્રવેશ, નોકરી મેળવવા અથવા તો અન્ય પ્રાઇવેટ કાર્ય માટે મુખ્ય સહાયતારૂપ લેવામાં આવે છે. દાહના એક ઔદ્યોગિક વિસ્તાર છે, જેમાં બીજા રાજ્યમાંથી લોકો વેપાર, નોકરી અને મજૂરી કરવા આવે છે. પ્રદેશમાં કેટલાક અસામાજિક તત્વો દ્વારા જે લોકોના 10 વર્ષ દાનહમાં પૂરા ન થયા હોય તેઓને ગુમરાહ કરી એમના મૂળ ઓળખપત્ર જેવા કે ઇલેક્શન કાર્ડ, રાશન કાર્ડ, ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ અને અન્યની પ્રમાણપત્રની ખાતરીમાં છેડખાની કરી તેને બદલી કાઢે છે. આવા એક કિસ્સામાં ઇલેક્શન કાર્ડમાં ચેડા કરનાર એક વ્યક્તિની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. कल मामलेदार साहब के शर्मा साहब ने हमको कंप्लेन भेजा है, जिसमें उन्होंने ये दिया है कि कुछ लोग ने वहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किए थे, जिसमें उनको कुछ फॉर्ज डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट किया गया है, ये दिखाया गया. तो उन्होंने जो इनिशियल तहकीकात करने के बाद हमको कंप्लेन और जो आदमी लोग थे वो भेजे थे. हमने वो कंप्लेन रजिस्टर करके और आदमी लोग से इंक्वायरी करने के बाद मालूम चला उसमें 3 लोग थे, कैलाश काशीनाथ पटेल, निवृत्ति तुकाराम भोसले और रमेश आत्माराम देवानी. ये लोगों ने अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेने के लिए अप्लाई किए थे और उसमें जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे उन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड दिया. अब ये वोटर आईडी कार्ड जो थे यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट 10 साल का रेसिडेंट है उनको ही मिलता है, तो वोटर आईडी कार्ड एज ए प्रूफ दिया था. तो उसमें कुछ छेड़छाड़ करके वोटर आईडी का मतलब 10 साल से ज़्यादा का ये दिखाने के लिए उसमें कुछ छेड़छाड़ उन्होंने किया था और उस बेसिस पे वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बेसिस पे ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेने वाले थे. ये मामलेदार साहब ने पकड़ लिया है और उस बेसिस पे कंप्लेंट दिया था और उन्होंने ये गुना एक्सेप्ट भी किया है. उनसे जो तहकीकात किया गया उसमें ये भी मालूम चला कि ये एक पंडित करके बंदा था, उन्होंने इनको गाइड किया था कैसा क्या करना है और जो छेड़छाड़ करने का था वो एक डेरिक करके बंदा है, उनके पास ये छेड़छाड़ करवाया था. वो दोनों को भी हमने गिरफ्तार किया है और उनको भी अभी हम कोर्ट में पेश करके आगे का तहकीकात के लिए रिमांड मांगे. सर, वो जो दो जन है उनका नाम क्या है? एक तो पंडित जो है उनका पूरा नाम है बाल मुकुंद पांडे और डेरिक रिबेलो करके. सर, इन तमाम जैसा कि आपको जानकारी है कि मामलेदार डिपार्टमेंट जो है वो विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जारी करता है, जैसा कि डोमिसाइल है, इनकम है, कास्ट है, ओबीसी है, और इसमें सभी प्रमाण पत्रों में डोमिसाइल एक ऐसा प्रमाण पत्र है कि बहुत इम्पोर्टेंट हमारा प्रमाण पत्र है, क्योंकि उसके बेस पे लोग एजुकेशन में, नौकरी में एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उनको बेनिफिट मिलता है डोमिसाइल का. और हमारा, जैसे आपको जानते हैं कि हमारा ये प्रदेश जो इंडस्ट्रियल एरिया है तो बहुत सारे बाहर के राज्यों से यहाँ पर उद्योग धंधा, नौकरी और मजदूरी करने के लिए लोग आते हैं, और वो लोग जब डोमिसाइल निकालने के लिए जाते हैं तो उनको जानकारी में आता है कि 10 साल यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकालने के लिए हमारा यहाँ का रेजिडेंस प्रूफ 10 साल का होना चाहिए, वो चाहे इलेक्शन कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, कोई भी प्रमाण पत्र हो, तो हम उसके बेस पे उसको दे देते हैं.
और लेकिन जहाँ पर कुछ हमारे नगर हवेली में असामाजिक तत्व ऐसे हैं कि उनको जिनके 10 साल पूरे नहीं हुए उनको वो अप्रोच करते हैं कि हम आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना देंगे, उनका 10 साल पूरा हुआ नहीं होता है। आज हमारे पास, कल हमारे पास 5 एप्लीकेशन मेरे स्टाफ ने मेरे ध्यान में लाया कि ये इलेक्शन कार्ड जोड़ा है साथ में, लेकिन ये जो इसका डिज़ाइन है ये लेटेस्ट है, ये 2010 का इन्होंने जोड़ा है। 2010 में ये इलेक्शन कार्ड का डिज़ाइन नहीं था, ये 2014 में डिज़ाइन आया। तो जब हमको शक हुआ तो हमने उनको आज पर्सनली हियरिंग पर एप्लीकेंट जो 5 आदमी थे उनको बुलाया, उनको बोला गया था कि आप अपना असली सर्टिफिकेट लेके आओ साथ में। जब असली उनका इलेक्शन कार्ड हमने देखा ओरिजिनल, तो हम देख के दंग रह गए कि वो 2014 का है और उन्होंने वो कट करके 2010 किया था। फिर उनसे पूछताछ की गई, मसाट स्प्रिंग सिटी में एक आदमी रहता है वहाँ पर उनका नाम लिया, हमने पुलिस विभाग की हेल्प से उस आदमी को हमने ऑफिस में बुलाया और उनसे पूछताछ में पता चला कि एक और आदमी बाल भवन के सामने DTP शॉप करके है, वो टेक्निकली उसको डेट जो बदलने का काम करता था, और जो स्प्रिंग सिटी में साठ में रहने वाला आदमी था वो बहुत मोटी रकम डोमिसाइल बनाने का लेता था कि ये इतना पैसा मेरे को दे दो, आधा अभी दे दो, आधा काम होने के बाद लेंगे। तो जब ये पूरा स्कैंडल एक साफ सा है हमारे ध्यान में आया तो हम